रिसर्च डिज़ाइन ये आप लोग को पता है, क्लास में करवा चुकी हूँ आप लोगों को, बेसिक बेसिक आपको चीज़ें बता चुकी हूँ। रिसर्च डिज़ाइन में क्या है, नाउ यू नो अबाउट सम टूल्स यूज टू कंडक्ट रिसर्च विद इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। अब इन्फेंट्स या यंग चिल्ड्रन पे रिसर्च करने के लिए आप लोगों को मतलब कुछ पता होना चाहिए कि उन पे रिसर्च करते हुए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टूल्स आपको यूटिलाइज करने चाहिए। रिमेंबर रिसर्च मेथड्स आर द टूल्स दैट आर यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये वो मेथड है हमारे पास जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, बट इट इज़ ईजी टू कन्फ्यूज रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च डिज़ाइन। लेकिन इसमें हम कन्फ्यूज हर एक इंसान होता है कि रिसर्च मैथड क्या है, रिसर्च डिज़ाइन क्या है। रिसर्च मैथड जिसको हम एक मैथड को यूज़ करके करते हैं, और रिसर्च डिज़ाइन किस तरीके से हमें उस चीज़ को लेके चलना है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, क्रॉस सेक्शनल है, क्या है क्या नहीं है। रिसर्च डिज़ाइन इज अ स्ट्रैटेजी और अ ब्लू प्रिंट फॉर डिसाइडिंग हाउ टू कलेक्ट एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग सोचते हैं कि किस तरीके से हमें एनालाइज करनी है इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से हमें कलेक्ट करना है, ठीक है, डिसाइड करते हैं हम लोग कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए। रिसर्च डिज़ाइन डिक्टेट्स विच मेथड्स आर यूज एंड हाउ, और रिसर्च डिज़ाइन ये बताते हैं हमें कि किस मेथड को यूज़ करना है और कैसे करना है। रिसर्चर्स टिपिकली फोकस ऑन टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ कंपेरिजन व्हेन कंडक्टिंग रिसर्च विद इन्फेंट्स और चिल्ड्रन। दो किस्म के इन्होंने कंपेरिजन में देखे गए जब इन्फेंट्स पे और चिल्ड्रन पे रिसर्च करते हैं, वो कौन कौन से हैं। द फर्स्ट काइंड ऑफ कंपेरिजन इज चेंज विद एन इंडिविजुअल, ठीक है, कि इंडिविजुअल्स में जो चेंजेस आती हैं उस चीज़ के लिए। एज इज नेम सजेस्ट दिस टाइप ऑफ एनालिसिस मेजर्स द वेज इन विच स्पेसिफिक पर्सन चेंजेस ओवर द टाइम। डिवेलपमेंट जैसे जैसे होती है कौन कौन सी चेंजेस आती हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल अ डिवेलपमेंटल साइंटिस्ट माइट बी इंटरेस्टेड इन स्टडियंग द सेम ग्रुप ऑफ इन्फेंट्स एट 12 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स टू एग्जामिन हाउ वोकैबुलरी एंड ग्रामर चेंज ओवर टाइम। फॉर एग्जाम्पल एक डिवेलपमेंटल रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, वो इस बात में वो इंटरेस्ट रखते हैं कि सेम ग्रुप है इन्फेंट्स का, पहले 12 साल की उम्र में उनको स्टडी किया, फिर 18 साल की उम्र में उनको स्टडी किया, फिर सॉरी साल में नहीं मंथ्स में, और फिर 24 महीने की जब वो होगी तो उनको स्टडी किया कि किस तरीके से इनकी वोकेबलरी और ग्रामर डिवेलप हो रहा होता है और चेंजेस आती हैं वक्त के साथ साथ। एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वुड बी बेस्ट आंसर बाय यूजिंग लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। मतलब सालों तक, महीनों तक जो एक रिसर्च स्टडी रहती है वो है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल, नाम से पता चलता है। अनदर सॉर्ट ऑफ कंपेरिजन फोकसेस ऑन चेंजेस बिटवीन द ग्रुप्स, क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, बिटवीन द ग्रुप स्टडी करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस रिसर्चर्स स्टडी एवरेज चेंजेस इन द बिहेवियर बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एजेस के बच्चों को, इन्फेंट्स को स्टडी करना ऑफ द ग्रुप, ठीक है, माँ बहन उनको कंपेरिजन करना, उनको स्टडी करना, क्रॉस सेक्शनल है लेकिन एजेस उनकी मुख्तलिफ होंगी। रिटर्निंग टू द लैंग्वेज एग्जाम्पल, अगर उसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं समर एंड सबा, तो देखिए जरा, अ साइंटिस्ट माइट स्टडी द वोकैबुलरी एंड ग्रामर यूज बाई 12 मंथ ओल्ड, 12 महीने का जब बच्चा था, 18 मंथ ओल्ड, 18 महीने का एंड 24 मंथ ओल्ड टू एग्जामिन हाउ लैंग्वेज एबिलिटीज चेंज विद एज। अगर उसी एग्जाम्पल को देखो, सीनेरियो बेस भी है आपके सामने, कितनी अच्छी एग्जाम्पल है कि 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने में इस बच्चे के लैंग्वेज एबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें आई विद एज, ओवर टाइम नहीं, विद एज, दैट इज क्रॉस सेक्शनल। एंड दिस, ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन क्या है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन आर यूज्ड टू एग्जामिन बिहेवियर इन सेम इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन ओवर टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक मतलब आप जब स्टडी कर रहे होते किसी चीज़ को, किसी बिहेवियर को, किसी भी रिसर्च कर रहे हो, लेकिन वो जो होता है वो काफ़ी अर्से के लिए वो चीज़ की यानी चेंजेस आप देखते हो फॉर लॉन्ग अकर, दैट अकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि तब्दीली जब आती है किसी भी चीज़ में, किसी भी रवैये में, कभी भी डिवेलपमेंट होती है तो वो वक्त मांगती है। फॉर एग्जाम्पल वैन कंसिडरिंग अवर एग्जाम्पल ऑफ हाइड एंड सीक बिहेवियर, जैसे प्री स्कूलर्स का हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, रिसर्चर माई कंडक्ट अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, तो वो क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी को कंडक्ट करेंगे टू एग्जामिन वेदर 2 ईयर्स ओल्ड डिवेलप इन टू बेटर हाइडर्स ओवर टाइम, कि वो अच्छा हाइडर बन सकता है ओवर टाइम वक्त के साथ साथ, 2 साल का जो बच्चा है। टू दिस एंड अ रिसर्चर माइट ऑब्जर्व अ ग्रुप ऑफ 2 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, इसके लिए वो क्या करेगा, 2 साल के बच्चे को स्टडी करेगा, ऑब्जर्व करेगा।
प्लेइंग हाइड एंड सीक विद प्लान्स टू ऑब्जर्व देम अगेन व्हेन दे आर 4 ईयर. तो प्लानिंग उसकी रिसर्च है कि क्या होगी कि पहले 2 साल का बच्चा उन्होंने लिया, इसके उस बिहेवियर को स्टडी किया कि ये इस गेम को कैसे खेलते हैं, क्या चीज़ डेवलप हो रही क्या नहीं. फिर जब वो बच्चे 4 साल का हुआ, फिर अगेन जब वो 6 ईयर्स का हुआ, ठीक है. तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च स्टडी आ जाती है. दिस स्टडी इज लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर बिकॉज द रिसर्चर प्लान्स टू स्टडी द सेम चिल्ड्रन एज द एज. सिर्फ उसकी एज बदलती है कि बच्चा वही है, जबकि क्रॉस सेक्शनल में एजेस मुख्तलिफ थे, ठीक है. ओके, आगे है जी. बेस्ड ऑन हर डेटा, इस डेटा की बेस पे द रिसर्चर माइट कंक्लूड दैट 2 ईयर्स ओल्ड डिवेलप मोर मेच्योर हाइडिंग एबिलिटीज विद एज. उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो बच्चा सेम एज का ही बच्चा था तो वो मेच्योर होता गया हाइडिंग एबिलिटीज में वक्त के साथ साथ, उम्र की इंक्रीज होने के साथ साथ एज वाइज. रिमेंबर रिसर्चर्स एग्जामिन गेम्स सच एज हाइड एंड सीक नॉट बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन द गेम्स देमसेल्फ बट बिकॉज दे ऑफर क्लूज टू हाउ चिल्ड्रन थिंक फील एंड बिहेव एट वेरियस एजेस. आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया कि रिसर्चर का अपना इंटरेस्ट इस चीज़ में नहीं था कि गेम्स वगैरह में, लेकिन ये हमें बींग आप लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, ठीक है, और साइकोलॉजी की टीचर हो और बाकी जो हमारी इस फील्ड से जिन जिनका ताल्लुक है, तो उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बच्चे कैसे थिंकिंग उनकी कैसे होती, फील कैसे करते और बिहेव कैसे करते हैं अपने मुख्तलिफ एजेस के दौरान.